बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अली हैदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल अली मोटर्स पर, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 03475625697। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी भी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो जापानी हो। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जल्द जो है पाकिस्तानी गाड़ियों के रिव्यूज़ भी लेकर आएंगे। अगले वीक से मैं स्टार्ट करूँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियात और कुछ दूसरे हमने कुछ चैनल बनाया उसकी रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ था, लेकिन जल्द जो है हम लोग इस चैनल पर पाकिस्तानी गाड़ियों के रिव्यूज़ भी लेके आया करेंगे। सो आज इस गाड़ी को मैं करने जा रहा हूँ, मेरे पार्टनर्स मेरे साथ ही, आज मैं अकेला ही हूँ, तो आज हम लोग करेंगे वैगन। ठीक है, ये वैगन है 2014 मॉडल है, 2018 की इंपोर्ट है और 18 के नंबर लगा है सियालकोट का, मेरे अपने सिटी का नंबर लगा हुआ है। तीन नंबर जो है अभी आगे आने वाला जो दौर है उसमें तो जाहिर है वो सूबे के लिहाज से, सूबे के अतबार से हुआ करेगी ना, ये पंजाब की गाड़ी है, ये खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी है, ये सिंध की गाड़ी है, इस तरह से खासतौर पर पंजाब में। लेकिन अभी तक जो नंबर लग चुके हैं उनमें तो शहर जो है वो काउंट होते हैं, कि जो जिसका नंबर ज़्यादा जो है वो काउंट होता है वो पंजाब के अंदर, वो सबसे पहले तो लाहौर है उसकी वैल्यू मानी जाती है, उसके बाद सियालकोट है, और लाहौर सियालकोट और पिंडी का तो नहीं, इस्लामाबाद, ये तीन चार शहर ही हैं जिनका थोड़ा बहुत नंबर जो है वो गुजरांवाला का भी माना जाता है, तो जिनकी रीसेल वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। तो खैर सियालकोट का नंबर लगा हुआ गाड़ी को, 18 की इंपोर्ट है, 2014 जो है इसका मॉडल है, 1,05,453 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है, मेरे सामने मीटर में देख ली है। और उसके अलावा गाड़ी की आपको हाले शाले सारी दिखाता हूँ, फिर जानते हैं इसकी प्राइस क्या है। तो ये फुल ऑप्शन गाड़ी है, ठीक है, डबल स्लाइडिंग डोर है, फुल ऑप्शन डबल स्लाइडिंग डोर, हर किस्म का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। आप लोग यहाँ से बटन से ही जो है इसको दरवाजे खोलते हैं, हाई रूफ, टोटल जेन्युइन। आइए हम लोग गाड़ी चेक करते हैं जी। सबसे पहले आप गाड़ी का मीटर देख लें, 1,05,453 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है आप लोगों के सामने है। 2 साल चली है गाड़ी पाकिस्तान में, 18 की इंपोर्ट थी, नंबर लगा हुआ सियालकोट का 18 का गाड़ी को। उसके अलावा एसी मैंने अभी जो है इसका ये देखे 2 पे किया हुआ है, तो लेकिन ये यहाँ पे मैंने 18 सेट किया था, तो एसी बहुत ही शानदार चल रहा था। अगर मैं इसका पंखा थोड़ा सा तेज करता हूँ तो यहाँ से शायद आपको आवाज भी आ रही हो, लेकिन खैर ये तो पंखे की बात है, लेकिन एसी बहुत चिल है इसका, बहुत शानदार एसी है। और ये रहा आपका एसी। उसके अलावा इधर से आप लोग देख लें डैशबोर्ड, ये यहाँ से ये जो है ऑटो गाड़ी है, ये आप लोग देख लें, सही है जी। फ्रंट में आप लोग देख लें इसकी लुक, ये सारी सारी इसकी लुक है। स्क्रीन पे ये स्क्रीन हम इसकी नई डलवा दें, कोई इशू नहीं है स्क्रीन का, यहाँ पे स्क्रीन जो है वो किसी चीज़ की रही है, तो स्क्रीन जो है थोड़ा सा टूट गई है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले इस साइड से आप छत देख लें, ऊपर से ये कंडीशन है इसके छत की, ये आप लोगों के सामने है, ये आप देख लें। यहाँ पे वैसे तो कंसोल बॉक्स इसको कहते हैं, नीचे होता है, मैं समझता हूँ ये भी कंसोल बॉक्स है। ये आप देखें, यहाँ पे आप रख सकते हैं इसको, इसके अंदर ये ना ये देखें, आप गौर से देखेंगे तो ये गरारी फिट की गई है, जो कि अगर हम इसको नीचे करेंगे तो वो इसको ऊपर खुद पर खुद लेके जाती है। तो इसकी फंक्शनैलिटी मैंने कहा उसको दिखाऊं, ये बड़ी मज़ेदार है। अब इसको ये यहाँ पे कर लेते हैं, अगर आप इसको हल्का सा ये करेंगे ये, तो इसको पीछे नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही जो है ये पीछे होगी। तो ये इसकी कुछ फंक्शनैलिटी है, इस तरह से ये काम करता है। और इसमें आप कुछ रख सकते हैं कैच करने के लिए, कैचर है बेसिकली इसके अंदर, मसलन कोई भी कागज़ है इम्पोर्टेंट या कुछ भी, यहाँ पर ये कैचर है, आप इसके अंदर कैच कर सकते हैं कोई भी चीज़। उसके अलावा आप कंसोल बॉक्स देख लें अंदर से, ये यहाँ पे आप कुछ छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं अपनी सीक्रेट। और उसके अलावा इस साइड में भी छोटा सा कंसोल बॉक्स है ऊपर की तरफ, इस साइड पे आप कुछ रख सकते हैं इसके अंदर, अंगूठी कुछ भी छोटा मोटा अपना, तो स्मोकर जो लाइटर रख सकते। खैर यहाँ पर आपको इसका ऐश मिल जाता है, ये ऐश है जी, ठीक है। और इस साइड पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि रिवर्स का, पार्किंग का, रिवर्स का, न्यूट्रल का, ड्राइव का, और उसको बस लॉन्ग ड्राइव का और सेकंड का। यहाँ पे आपको शिफ्ट लॉक का बटन मिल जाता है, ये शिफ्ट लॉक का बटन है। और
उसके अलावा सामने से आप डैशबोर्ड देख लें, ये कंडीशन है इसके डैशबोर्ड की है आप लोगों के सामने। इस साइड से अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो कंट्रोल्स आप लोग सबसे पहले देख लें, ये कंट्रोल्स हैं इसके। आपको यहाँ पर इसके जो कंट्रोल देखने को मिलते हैं, आप चाइल्ड लॉक सबसे पहले लगा सकते हैं चाइल्ड लॉक, उसके बाद इस साइड वाली पिछली विंडो, ठीक है, इस साइड वाली ये लेफ्ट साइड वाली है पिछली विंडो, ये हम इस साइड वाली पिछली, ये ऑटो है अब देख लें ये, तो उसके अलावा ये इस साइड वाली विंडो दूसरी, यहाँ पे आपको शीशे जो है वो क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे क्लोज हो रहे हैं दोबारा खोलूँगा तो ये खुल जाएंगे। और उसके अलावा अगर सेटिंग कर रही हूँ आपने, तो अगर आप राइट को यहाँ पे बटन को करेंगे तो फिर राइट को जैसे कि आप देखिएगा ये मैं अंदर ऊपर नीचे जिधर को मर्जी जो है इसको इसकी मूवमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं लेफ्ट की करनी है तो लेफ्ट को क्लिक करूँगा और लेफ्ट वाले की मूवमेंट को ठीक कर सकूँगा, ठीक है जी। उसके अंदर मोटर लगी होती है जो कि ये वर्किंग करती है। उसके अलावा ये है इसकी मेन चीज़ जिस वजह से गाड़ी की मकबूलियत है, वो सबसे पहले तो ये है भाई कि आप लोग यहाँ से बटन को ऑफ भी कर सकते हैं इसको, कि अगर स्लाइडर नहीं भी आपने चलाना तो दिखाऊँगा अगर करीब करके, अगर आपने स्लाइडर नहीं भी चलाना तो आप इसको ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद जितना मर्जी आप पुश करते रहें ये वर्किंग जो है वो नहीं करेंगे दोनों बटन, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे अब स्लाइड डोर जो है वो ऑन हो गया। अब मैं यहाँ से राइट को क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है। इस साइड से दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो दरवाज़ा बंद हो रहा है। तो ये राइट की कुछ इस तरह से है। उसके बाद ये स्टेप आउट है इसका, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो उसका स्टेप जो है वो बाहर आता है, तो वो मैं फिर कभी आपको चेक करवा दूँगा। तो ये स्टेप आउट स्टेप इन का ऑप्शन है। और उसके अलावा आपको ये लेफ़्ट वाला जो है, ये लेफ़्ट वाला आप ऐसे दबा के रखेंगे इसको, वो दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है जी। और जैसे ही फिर आप इसको बंद करेंगे तो वो दरवाज़ा बंद हो रहा है, ठीक है। इस तरह से वो खुद ब खुद जो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर सोफ़ा सीट्स लगी होती हैं, फ्रंट पे सीट आप देख लें, पोशिश की हालत काफ़ी अच्छी है ये आप देख लें, ठीक है, जेन्युइन पोशिश है ये आप लोगों के सामने है। नीचे से कारपेट देख लें, ये हालत है इसके कारपेट की, ये आप लोगों के सामने है। इस साइड से कारपेट दिखाऊं तो इस साइड से भी कारपेट देख लें, ये कंडीशन है इसके कारपेट की, सही है जी। आइए हम लोग गाड़ी के पीछे चलते हैं दरमियान में और जानते हैं इसकी पीछे से हालत क्या है जी। आप इसका रिमोट देख लें, आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस साइड वाला बटन दबाऊँगा तो अगर मैं इसे दबा कर वो दरवाज़ा देख लें वो बंद हो रहा है, ठीक है जी। और ये राइट का जो है वो राइट का वाला बटन करता है, अगर मैं लेफ्ट वाला मैं राइट को खोलता हूँ ये राइट वाला खुल गया, दबा के रखना थोड़ा सा इसको। अब लेफ्ट वाला भी मैं खोलना चाहूँ तो लेफ्ट वाले को दबा के रखूँगा, ये वो लेफ्ट वाला भी खुल गया। तो आप इसकी फंक्शनलिटी जो है वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका कारपेट, तो ये कारपेट है, ये आप लोग देख लें, ये कंडीशन से कारपेट की है आप लोग के सामने है। और पीछे सोफ़ा सीट आप लोग देख लें, यहाँ पर इसको आप बंद भी कर सकते हैं सोफ़ा सीट को और दोबारा से इसको सेट भी कर सकते हैं। ये इसका रेस्टोरेंट है और आप यहाँ पर कुछ रख भी सकते हैं, कप रखने की जगह है यहाँ पर मौजूद, ये आप लोग देख लें। कोशिश यहाँ से थोड़ी सी ख़राब है, करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। और ये वाली देख लें सीट, ये भी अच्छी हालत में मौजूद है। पीछे से आप छत देख लें सारा, दरमियान में लाइट मौजूद है, आप लाइट अगर चलाना चाहें तो ये लाइट चल जाती है ये, ठीक है जी। खैर हम इसको करते हैं ऑफ। और पीछे वो स्पीकर बिल्ट इन सेट होते हैं, ये टिंटेड शीशे हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप लोग ये देख लें पीछे से, ये हालत है इसकी, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख लें पीछे। और सबसे पहले आप लोग देख लें इसकी लाइट चल रही है बहुत ही कमाल की, ये आप लोगों के सामने है, पर्ल वाइट कलर में ये गाड़ी मौजूद है, ये आप लोग देख लें, ठीक है। सियालकोट का नंबर लगा हुआ है 18 का, ये आप लोगों के सामने है। और इसको भी डिग्गी भी खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये डिग्गी आप लोग देख लें, सही है जी। और उसके अलावा इस साइड से आप लोग लाइट देख लें, ये कंडीशन है इसकी लाइट की, ये आपके सामने है। और इस साइड से टायर की अगर बात करें तो टायर भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसकी टायर की, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। पर्ल वाइट कलर में ये गाड़ी मौजूद है, ये आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इस गाड़ी की, ये आप लोगों के सामने है। इस साइड से पिछला दरवाजे की अगर बात करें तो पिछला दरवाजा भी आप लोग देख लें,
ये कंडीशन है इसके पिछले दरवाजे की, ये आप लोग देख लें, यहाँ पे ये डेंट मौजूद है छोटा सा, ये बिल्कुल, ये आप देख लें। और अगले दरवाजे की अगर बात करूँ ड्राइवर डोर की, तो ड्राइवर डोर भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इसके ड्राइवर डोर की, ये आप लोग के सामने है, ठीक है जी, ये आप देख लें। उसके अलावा आप फेंडर देख लें, ये कंडीशन है फेंडर की, ये आप लोग के सामने है। और इंडिकेटर देख लें, नीचे से टायर देख लें, ये राइट साइड का अगला टायर है, ये आप लोग के सामने है। इसके अलावा सामने फ्रंट लाइट की बात करें, फ्रंट लाइट भी आप लोग देख लें, ये कंडीशन है, क्रोम की पट्टी आपको ये आगे मिल जाती है, ग्रिल जिसको हम बोलते हैं क्रोम ग्रिल, ये आपके सामने है। नीचे इसके फोग लाइट एक चल रही है, दूसरी नहीं चल रही, वो भी अगर खराब हुई तो ठीक करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। फ्रंट से आप लोग गाड़ी की हालत देख लें, ये कंडीशन है फ्रंट के, फ्रंट से ये आप लोग के सामने है, ये आप लोग देख लें, पूरा का पूरा व्यू देख लें इस गाड़ी का, ये व्यू है इस पूरी की पूरी गाड़ी का, ये आप लोग के सामने है। और इस साइड से भी आप लोग लाइट देख लें, ये कंडीशन है इसकी लाइट की, आप सामने है। और ये फेंडर जो है ये थोड़ा सा अंदर चला गया हुआ है, गाड़ी लगी होगी इधर से, ये आप लोग देख लें, ठीक है। और इसके अलावा इस साइड से आप देख लें इंडिकेटर, ये हालत है, नीचे से आप लोग देख लें टायर, ये लेफ्ट साइड की हालत है टायर की, ये आप लोग के सामने है, ये आप लोग देख लें, अगला टायर है लेफ्ट साइड का, और लेफ्ट साइड का दरवाज़ा अगला देख लें आप लोग, ये कंडीशन है इसकी, ये आप लोग देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है और अच्छी कंडीशन में, ये आप लोग के सामने है। और इस साइड से अगर आपको दिखाऊं, इस साइड से भी आप लोग देख लें, पिछला दरवाज़ा देख लें आप लोग, ये कंडीशन है इसके पिछले दरवाजे की, ये आप लोग देख लें, ये सारा देख लें गौर से। मैं माजरा चाहता हूँ सनलाइट में मैं वीडियो नहीं बना सका कोई, लेकिन इंशाल्लाह किसी को पिक्चर चाहिए मेरे साहब पिक्चर्स मिल जाएंगी इस गाड़ी की। ये आप लोग देख लें, ये कंडीशन है इस टायर की, ये आप लोगों के सामने है जी। गाड़ी आपने देखी है, जानी है सारी की सारी, गाड़ी अंदर से भी आपने देखी है, बाहर से भी देखी है। मैं बहुत माजरा चाहता हूँ कि इस गाड़ी की वीडियो मैं सनलाइट में नहीं बना सका, उसकी वजह ये कि टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश मैं करता हूँ कि मैं सुबह आऊँ, लेकिन सुबह दफ्तरी मामला में इतना ज़्यादा मसरूफियात होती हैं कि मैं निकल नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे सनलाइट में अगली वीडियोस रिकॉर्ड किया करें। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो मेरा नंबर नोट कर लें 0347-562-5697, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर भी दे दूंगा, वो भी आप नोट कर लें, यही नंबर है 0347-562-5697। और उसके अलावा आपने गाड़ी देखी है, जानी है, फुल ऑप्शन है, उसके बाद आपको माइलेज वगैरह मैंने इसकी बता दी थी, 1,05,000 समथिंग थी। और ऑटो सारी गाड़ी ऑटोमेटिक है, ठीक है, दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, पिछले उसकी फंक्शनलिटी क्या है वो भी मैंने सारी की सारी आपको बता दी है। अगर आप ये गाड़ी अपने नाम कराना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 18,25,000, इसकी डिमांड प्राइस है 18,25,000, 14 मॉडल है और 18 की इम्पोर्ट है, 18 का नंबर लगा हुआ है सियालकोट का। सो गाड़ी टोटल जेन्युइन है, गाड़ी हमारी आवाज़ है टोटल जेन्युइन की। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो आ जाए सियालकोट में 0347-562-5697 पर मैसेज करके या कॉल करके आप आज सियालकोट उस गाड़ी को अपने नाम कर लें। आई होप आपको ये गाड़ी पसंद ही होगी और आई होप आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी दुआएं, एक तमन्ना आपके लिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।